पर कदम रखते हुए खामोशियां लेकर बगुले और बादल घंटियों की लय पे यूं रत सा हमारे साथ चलते हैं हमारे साथ रहते हैं। जानता है कमरदिल अब अपने बेटा के साथ इतना प्यार करता है फिर भी इसको नहीं पहचानता है। मैंने तो अपने बाबा को पहले नजर में पहचान लिया। कमरदिल कमरदिल है माशाल्लाह कितना प्यारा लगता है तुम बिल्कुल बदल गया। तुम ऐसा ही कपड़ा पहना करो। हाँ चलो कहाँ उधर बाहर सारा लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। उठो चलो चलो आ जाओ उठो उठो। वाह निर्गुसा वो बेल को जबरदस्त को बुलाओ उसको बोलो 10-15 तो बेहलाल करे। इर्द गिर्द के गांव वालों को बुलाना है। अच्छा अब आप हमको वलवर कितना देगा। चलो चलो वलवर किस चीज का वलवर। कैसा बातें करते है बाबा जान। हम आपको लड़की दे रहे हैं वलवर के बगैर तो नहीं देगा ना। वाह खाना खराब अब पैसे का पार ही आया है तू भाई को छोड़ के लड़की के साथ मिल के। बाबा जाना आप फिक्र मत करो हम ये पैसे खाएगा नहीं। हम अपना भाभी के लिए जहेज बनाएगा सोने का हार खरीदेगा चूड़ी खरीदेगा कपड़ा बहुत सारा चीजें खरीदेगा इसके लिए। अच्छा चलो बोलो कितना मदद लगता है। वैसा तो हमारा भाभी करोड़ों का है। चलो आप ऐसा करो कि हमको 10 लाख रुपया दे दो बस। 10 लाख कबूल करे। ये बचपना बंद करो। ऐसे क्यों बोलते यार वो तो मजाक कर रहा है। बाबू जान इस लड़की से हमारा शादी नहीं हो सकता। कमरदीन लाला हमको मालूम है शादी तो हो चुका है। हम तो बस खुशी के लिए अतन के लिए एक छोटा सा मौका तलाश कर रहे हैं बस। बाबा जान इस लड़की से हमारा ना कोई रिश्ता है ना कोई रिश्ता हो सकता है। कमरदीन तुम कैसे बात किया बहू के बारे में। ना तो ये आपका बहू है और ना ही हमारा बीवी। तो फिर ये कौन है। इसका नाम जॉयस है और ये ईसाई है। मुसलमान नहीं है फिर ये तुम्हारा साथ क्यों है।
I'm so sorry. मैं आपसे माफी चाहते हूँ. कमरदीन ठीक कहते हैं, ये मेरे शोर नहीं है. मैंने इसलिए झूठ बोला, because I knew. मैं जानती थी कि आप लोग फॉरेनर से, मतलब हम लोग से नफरत करते हैं. सिर्फ इसलिए मैंने झूठ बोला. मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी. I'm so sorry. नहीं बाबा जान, अंग्रेज खाला ने आगा जान को बचाने के लिए झूठ बोला था. अंग्रेज खाला बहुत अच्छा है. अंग्रेज खाला आगा जान से बहुत प्यार करता है. देखो बच्चे, तुम जो भी है, तुम्हारा जो भी अकीदा है, हम तुम्हारा शुक्रगुजार है. तुमने हमारा बच्चे का जान बचाया. अब सारा जिंदगी तुम्हारा एहसान मंद रहेगा. लोगों की खिदमत करना मेरा काम है और इसीलिए मैं यहाँ पे आई. ऐसे बैकवर्ड और पसमंदा इलाकों में, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मेरी वजह से आप लोग मिले. आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल. देखो बच्चे, तुमको जिधर भी जाना है उधर हिफाजत से पहुंचाना हम लोग का फर्ज है. मगर हमारा एक दरख्वास्त है तुमसे. क्या? कमरदीन के आने की खुशी में हम लोग जश्न मनाएगा. हमारा ख्वाहिश है कि तुम उसमें शरीक हो जाओ. अगर आपका बेटा चाहता है कि मैं आऊं तो मैं आ जाऊंगी. मेहरबानी है बाबा जान. बाबा जान, अंग्रेज खाला कभी कभी अंग्रेजी में भी गाना गाती है. चीज कहाँ देखा तुमने? कभी कभी घर में जाती थी. कमरदीन, ये देखो, आज हम बहुत खुश हैं. ठीक है, आज इधर अतरण भी होगा, हम लोग गाना भी गाएगा. जिसको पश्तो में आता है पश्तो में गाएगा, जिसको अंग्रेजी में आता है अंग्रेजी में गाएगा. किसी पर कोई पाबंदी नहीं, बस चुप. लगता है मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी. आप आ गए? जाहिर है ये मैं हूं, आ गया हूं. I'm sorry. क्यों? नौशीन कह रही थी कि मेरी वजह से उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी. I'm very sorry for all that. बेटा नालायक होगा तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे. I'm really sorry, Daddy. अब आप जो भी फैसला करेंगे मैं इनकार नहीं करूंगा. बस खत्म हो गया तुम्हारा इश्क और लव, जिसके बगैर तुम जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे. अब उसके बगैर जिंदगी गुजार लोगे. शाबाश, बहुत अच्छे भाई. कोशिश करूंगा. तो इसका मतलब है कि मैं नौशीन के घर वालों से बात कर ही लूं? हाँ, डैड, अब आप जिसके साथ मर्जी तय कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता. सऊद खान, फर्ज करो तुम्हारी मंगनी अगर इस लड़की से हो जाए जिसकी पेंटिंग को तुम नकाब ज़दा करने की कोशिश कर रहे हो तो कैसा रहेगा? डैडी प्लीज, कम अज कम आप तो मजाक ना करें. आई एम डैम सीरियस सऊद. वो तावीज खान, सरदार तावीज खान कुची, तुम्हारा होने वाला ससुर, वो मान गया है? नो. यस.
100% सरदार वो मान गया है। यानी कि सपोज में डैड थैंक यू सो मच मुझे आई कैन बिलीव दिस, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरा नाम शाहिद अली खान है और नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझे? थैंक यू सो मच मैं भी आता हूँ। थैंक यू। सो कहाँ जा रहे हो? थैंक्स डैड। अंकल अब तो इसको यहां से निकाल देना प्लीज। बेटा अब तो हम दोनों को शायद यहां से निकलना पड़ेगा। What do you mean, अंकल? हमें? स्पोजमी के वाले साहब मान गए हैं ना? Oh no. Yes, my child. He agreed. आज मैं और सऊद डेट लेने के लिए जा रहे हैं। Please, अंकल, don't do this. बेटा नौशीन, मैं जानता हूं कि तुम और सऊद कभी भी एक दूसरे को खुश नहीं रख सकते। फिर भी मैंने कोशिश की इस इडियट को इस उसके ट्रांस से निकाल लूं, मगर लगता है कि इसने सच्चे दिल से उस लड़की को चाहा था और सच्चे दिल से चाहने वालों की जोड़ियां तो अल्लाह बनाता है। मैं और तुम भला कौन होते हैं इनको जुदा करने वाले। टेक इट इजी नशीन। कमरदीन को किस तरह रास्ते से हटाना है ये हमारा काम है। तुमको क्या करना है तुमको मालूम है? हमको तो नहीं पता। तुमको सऊद खान को रास्ते से हटाना है। सऊद खान को? ये तुम कैसा बात कर रहा है बाबा? सऊद खान को खत्म करना है? स्पर्शमय से शादी करना है? हाँ यही रास्ता है उससे शादी करने का। से बदल गया है उधर बुढ़ा तावीज खान का वफादार बीवी बन गया। हम चाहता तो उसका तो तावीज खान को जहर मिला के मरवा देता। पर हम कैसे खत्म करेगा बाबा? हम कैसे सऊद खान को मार सकता है? ओ पागला खर्रा, ये हम तुमको बताएगा कि उसको मारना कैसे। तुमने नहीं मारना है, टोपक में जो गोली होता है उसने मारना है। आएगा वो पाँव पाँव, जाएगा वो कंधे पे। और अगर तावीज काका को पता चल गया तो तावीज तावीज काका हर बच्चे तावीज खान अपना कमरदीन का लाश पे मातम कर रहा होगा। मातम मातम कमरदीन बाबा? ये तुम कमरदीन को कौन मारेगा बाबा? तुम खुदा तुमको हमारा बेटा नहीं बनाता तो अच्छा था। पागला खर्रा जाहिला देखो हम बताता है कि वो हम तुमको नहीं बताएगा तुम सबको बताएगा। वैसे ब्याद बात वक्त पे बताना चाहिए। हर बच्चा मर्द बनो, मर्द मर्द बनो। हमने फैसला किया कि अभी कुछ दिन यहाँ रुकेगा। आपको जब जाना हो अब हमको बताओ, ये लोग आपको आपका एम्बेसी में पहुंचा देगा। आप मुझसे इतना बेजार क्यों हैं? आप
खुद ही तो कहते थे ना कि खाना बदोश के लिए मेहमान अल्लाह की रहमत है। और जहां तक मेरे को पता है आप भी अब खाना बदोश ही है, राइट? वही समरे, अल्लाह के लोगों की क्या बात है? अंग्रेज खाला जाना नहीं चाहता है, आगाजान उसे जाने को कहता है। आगाजान तुम्हारा पागल है, मगर तुमको इस बात कैसे पता चला? वो तो शुरू से ही ऐसी है। तो ये जो तुम्हारा अंग्रेज खाला है, ये क्यों नहीं जाना चाहते हैं? ये आगाजान को पसंद करता है। ये आगाजान को पसंद करता है जी। यार तुम्हारा आगाजान बिल्कुल लेवन है ना, क्या ख्याल? अंग्रेज खाला तुमको भी पसंद है जी? हाँ बस ठीक है, इसको समझाया जाए। पर मुझे वो बकरे का बच्चा पकड़ना है। बकरे का बच्चा पकड़ना है जी। जाओ जाओ जाओ। ओ कमरदीना, सलाम अलैकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। ये लड़की जाना क्यों नहीं चाहता है? बाबा जान मुफ्त का रोटी तो जिसको भी जहां मिलेगा वो उधर ही रहेगा, वो किधर जाएगा वहां से? मुफ्त का रोटी, आफरीन, रिश्तिया हुआ। अमेरिका में तो रोटी का बहुत कमी है ना, हम लोगों का प्याज रोटी के खातिर इधर दर पदर फिर रहा है, तुम्हारा मिन्नत कर रहा है। वाह वाह, चक्कर क्या है बोलो? कैसे चक्कर बाबा जान? कोई चक्कर नहीं है। कोई चक्कर नहीं, चल खुद उससे पूछेगा तो पता चल जाएगा। हमारा ख्याल है कि इस लड़की को यहां से जितना जल्दी रुखसत किया जाए उतना बेहतर है। हम नहीं चाहता कि इसके वजह से हमारे पर कोई मुसीबत आए। हमारा फिक्र मत करो, हम लोग अपना फिक्र खुद कर सकता है। वैसे भी वो लोग खाना बदोशों पे हमला करने का जुर्रत कर ही नहीं सकता है। बाबा जान हमको पता है वो हमला नहीं करेगा, उस लड़की को यहाँ से ले जाने का बात करेगा। देखो वो लोग हमसे बाहर नहीं है, पश्तून है, हमारा रिवायात को अच्छी तरह से जानता है। उनको पता है कि हम लोग अपना मेहमान वो भी एक मासूम अकेला अन्यथा लड़की को कभी उनका हवाले नहीं करेगा। सोच हम चलता है, तुम बेहलाल करना है सजी का वास्ते। यार ये लोग किधर रहते हैं? ओ खुदा, ओ पक गोली भाई, ओ छोड़ो खुदा के लिए, ओ खुदा, ओ खुदा, ओ ओ यार, ओ हमारे सांस बंद हो रहा है यार, ये चाव पटूटा, अच्छा, ओ खुदा। कौन है तुम? इधर कैसे आया? किसने तुमको रास्ता बताया? देखो हम खाना बदोश लोग हैं, अक्सर इस रास्ते पे आते जाते रहते। इधर आने का क्या मकसद है तुम्हारा? पखुरान हमारा बहुत नेक मकसद है, पहले माफी चाहता है, आप भी अपना तारुफ कराओ। हम लोगों को कुछ लोग दहशतगर्द कहते हैं, कुछ चिंता पसंद कहते हैं और कुछ तखरीबकार कहते हैं, लेकिन हम लोग आजादी के मतवाले हैं, इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाले मुजाहिदीन हम लोग। ओ खुदा शुक्र है आपके दीदार हो गया, हम इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक ठिकाने पे पहुंच गए।
देखिए तुम्हारा पाँव। हमको कुछ नहीं होता, आदि है हम इसका। तुम रोज इतना काम करती हो तो और क्या, कौन करेगा और? हाँ तुम्हारा मर्द, वो लोग, वो तो जंगल में जाता है मवेशी खरकार और वो पत्थर मत्थर तोड़ने के लिए। अच्छा तुम लोग पैरों में शूज नहीं पहनते? वो क्या होता है शूज? आई मीन जो जूते। हाँ कपाई ना, वो तो सिर्फ हम शादी में पहनता है। ओके हे अब क्या हो गया तुम्हारा पाँव? गॉड कुछ नहीं होता, इससे तो और खराब हो जाएगा। अरे कैसा बात करता है तुम, हाँ क्यों खराब हो जाएगा? ये जमीन हमारा माँ है और ये मट्टी हमारा मरम, और माँ कभी भी अपने बच्चे को तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। अभी चलो, बहुत बातें करता है तुम। लकड़ी मटनी काटना है, रोटी पकाना है, अभी बहुत मेहमान आना है। हाँ कितना मेहमान आएगा? ये आएगा कोई 100-200। इतने सारे लोगों का खाना तुम बनाओगी? तो और क्या, हमारा भाई का महफिल है, खुशी है, क्यों नहीं बनाएगा? हाँ हम बनाएगा रोटी सालन, और हमारा बाबा जान है ना, वो सजी मजी बनाएगा। सजी वाज दैट? वो क्या है? या खुदाया तुमने कभी सजी नहीं खाया? हाँ वो तुम्बा होता है ना तुम्बा, उसको लकड़ी पे भूनता है, पे खाता है, बड़े मजे का होता है, रात को खिलाएगा। अच्छा चलो अब तुम जाओ आराम करो, हमको लकड़ी काटने दो, बहुत काम पड़े रात का, जाओ तुम आराम करो। ओके कैसा लोग है, सजी का नहीं मालूम। तोबा तोबा, वो आप लोगों का एक साथी था ना कमरदीन? शाबाशी, किधर है वो? बताता है, बताता है। उसका साथ एक अंग्रेज लड़की भी है। किधर है वो? सेबा, वो खाना बदोशों का सरदार तावीज खान कोची का पड़ाव। तावीज खान कोचे? हाँ वो कमरदीन का बाप है। बाप? 20 साल पहले हमने उसको मदरसे में दाखिल करवाया था कि वो अल्लाह रसूल के रास्ते पे चलेगा। हमको लगता है कि उस अंग्रेज लड़की ने उसका अकीदा तबाह और बर्बाद कर दिया। अभी बताओ, बोलो अभी। हम तुम लोगों को नहीं बोलता था कि कमरदीन अच्छा आदमी है? उस काफर औरत ने उसको खराब कर दिया है, उसको ऐसा बर्बाद किया। वो बोलता है कि आप लोगों का नाम अकुमत जो फौजी अकुमत है उनके सामने रख देगा। नहीं कसम है, हम भी नहीं चाहते वो खबीस हमारा मुसलमान मुजाहिदों का नाम काफिरों को बता भी। देखो तुम उसका ख्याल रखना, बहुत जल्द हम अपने साथियों के साथ पूरा तैयारी करके आएगा। देखो पक्का तैयारी के साथ आना, उसका बाप इतना आसानी से मानने वाला नहीं है। तुम फिक्र मत करो। अच्छा बच्चे, बस हमारा नाम नहीं आ रही, आप लोगों का पटका मेहरबानी, खुदा पामान। कमरदीना, इधर कैसे खड़ा, क्यों ना हथरण करो? काका हमारे पाँव में तकलीफ है। पाँव में तकलीफ है कि दिल नहीं मानता है? चलो महाराज चलो, बाप की तरह तुम्हारा। वो बाजार गया कोई सौदा मौदा लेने। बहुत सौदेबाजी करता है तुम्हारा बाप। चलो जाओ हथरण करो, चलो
कमरदीन है जो तुम्हारा आने का खुशी में जश्न है, तुमको अतर नहीं आता है? यार कैसा पश्तून है जिसको अतर नहीं आता? पश्तून बाद में मुसलमान पहले इस्लाम में ढोल तराश किए वो ये ढोल ताशे नहीं है, ये नकारा है। तुमको पता है जंग में जात में मुश्किल में लोगों को बुलाने का वास्ते नकारा बजाते, ये तो खुशी है मरा, इसमें क्या आ रहा? चलो जैसे तुम्हारा खुशी, तुम्हारा खुशी हमारा खुशी, सारा खुशी तुम्हारा खुशी, खुश हो मैं खुश हो। हे, तुम्हारा बाबा भी अच्छा डांस करता है। इसको डांस नहीं कहता, अतन कहता है, अतन। अतन, अतन। हाँ, हमारे यहाँ जब कोई खुशी होता है या किसी का शादी होता है ना, तब अतन करता है हम लोग। मैं भी खा रू? भाई तुम तो पागल हो गया है, हाँ? मर्द लोग के साथ कैसा तुम अतन कर सकता है? क्यों मर्दों के साथ नहीं कर सकते? तुम बिल्कुल पागल हो गया है, हमारा अतन अलग होता है ना। कब होएगा? जब ये सारा मर्द लोग थक जाएगा ना, तब ढोल वाला हमारी तरफ आएगा। अब तुम मेरे को ये सिखाओगी अथान? पागल हो गया है तुम, अथान एक दिन में थोड़ी आ जाता है, वक्त लगता है इसमें बहुत ज्यादा। हाँ तो प्रॉब्लम, मैं सीखूंगी। कैसा सीखेगा तुम? लाला तो कह रहा था कि तुम जा रहे हैं ना कल। हाँ तुम मत जाओ, हाँ? जाना होगा, मेरे लोग मेरे एनजीओ के साथ ही, मेरी माँ को इत्तला करना जरूरी है। अच्छा तो फिर तुम एक काम करो, ऐसा करो कि खत लिख दो, हाँ? हमारा बाबा जान वो डाक खाना जाएगा ना, हाथ डाल के आ जाएगा। यू डोंट वरी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आया करूँगी तुम लोग से मिलने। लेकिन हम चाहता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे पास इधर ही रुक जाओ। हमेशा? हमेशा कैसे रह सकते हो? हमारा बाबी बनकर। व्हाट, कैसी बातें कर रहे हो? इट्स इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारा भाई कभी नहीं मानेगा। ऐसा कैसा नहीं मानेगा, हम बात करेगा ना अपने भाई से, मानेगा हमारा बात। हाँ नम्रया, जोया तुम्हारा बाप तो अतर नहीं करता है, तुम तो करो ना। जोया पश्तून है, खुद आएगा, चलो ढोल सुनेगा आएगा। आला सोच रहे? कुछ नहीं, सोच रही थी कि हम लोग के पास सब कुछ होता है मगर फिर भी हम खुश नहीं है। और देखो तुम लोग के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कितना खुश हो, कैसे? इसका वास्ते तो हम तुमको कहता है ना कि इधर आ जाओ तुम हमेशा के लिए। Leave it, छोड़ो। ये बताओ कि मैं वो डांस कब करूंगी? डांस नहीं है ये, अतन है, अतन। हाँ वो वही अतन, अतन। ताबीज काका,
तावीज काका, शेर वाला मेहमान आ गया। वही ये लोग किधर से आ गया? कौन? कोई नहीं, अभी तुम चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। यार बहुत देर किया तुम लोग, मगर चेक किया क्या आ गया। कमरदीना, जोया, बस मुलाकात सऊद खान दे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। जिदी फलार दे। सलाम वालेकुम, कैसे हैं कमरदीन साहब? सलाम, ठीक है आप? जाना मेरा ख्याल है बहुत वक्त हो गया है, थोड़ा आराम करते हैं। कहना मेरा भी कहना है वो बड़ा जश्न है, काना भी खाएगा आराम भी खाएगा, सुबह तक अपना है। सऊद खान, कतरन मतरन आता है? थोड़ा बहुत आता है, शरीयत आता है। चलो ना फिर, ठीक है, आओ मास्टर जी। रस नहीं यार, रस रस। अच्छा तो तुम मेरे को भाभी बनाकर खुद शहर चले जाओगे उस लड़के के साथ? हाँ, हम क्यों जाएगा शहर? तो फिर वो आएगा हमारे पास इधर। वैसे भी उसको ये सहरा, ये पहाड़ बहुत पसंद है ना। उसका नाम क्या है? लेवन नहीं, हम उसका नाम नहीं ले सकता। लेकिन क्यों नहीं ले सकता? भाई गुनाह मिलता है, तुमको मालूम है हमारा दादा, उसका नाम आजी बारान खान था। बारान मतलब बारिश। जब हमारा दादा का शादी हमारा दादी से हुआ था ना, उस दिन के बाद से हमारा दादी ने कभी भी हमारा दादा का नाम नहीं लिया, हमेशा वो बारान को बर्फ बोलता था। तुम्हारा मम्मी कब होगा? सुबह को, वो कमरदीन लाला की वजह से ना बाबा ने सब लोगों को जल्दी बुला लिया ना। और शादी कब है? इवन नहीं, हमको क्या मालूम। हाँ, तारीख हमने थोड़ी तय करना है, तो बाबा जान करेगा। अच्छा ये बताओ, वो लड़का यहाँ और कितने दिन रुकेगा? भाई तुम कैसा बातें करते हैं, वो लड़का इधर क्यों रुकेगा? हाँ, सुबह को उसको दुस्माल मिल जाएगा। दुस्माल? मंगनी के बाद लड़का को मिलता है ना, और जिस दिन तक लड़का और लड़की का शादी नहीं हो जाता, वो उस इलाके में नजर नहीं आना चाहिए। और अगर कभी गलती से लड़का उस इलाके में नजर आ गया, तो कबीले वाला मिलके उसकी टांगे तोड़ देता है। हाँ खान, ये तो बहुत जुल्म है। You know, जब हमारे यहाँ मंगनी होती है तो हम लोग खूब एंजॉय करते हैं, हम लोग होटलिंग करते हैं, सिनेमाज में फिल्म देखते हैं और क्लब भी जाते हैं। क्लब? ये क्या होता है? क्लब में डांस होता है, डांस नच गाना। अल्लाह माफ, अल्लाह माफ, तौबा तौबा, नाचता है लड़का लड़की शादी से पहले? यही तो फर्क है तुम अंग्रेजों में और हम पठानों में। कौन है वो खुशकिस्मत
है कोई बेखबर जिसने हमको मोहब्बत करना सिखाया लेकिन शायद खुद नहीं किया। तुम पूछो तो सही, हो सकता है वो भी तुमसे मोहब्बत करते हो। ये जो हमसे हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता।